हेलो फ्रेंड, तो हम लोग रेडी होकर होटल से आ गए हैं और बाकी बिहारी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेंगे। आज तो हमारा व्रत है छठ का, तो ये लोग चाय पी लेंगे फिर मंदिर के लिए निकल। तो फ्रेंड्स, होटल से 8-10 कदम की दूरी पर ही चले होंगे हम लोग, तो वहाँ पर हम लोगों को ई रिक्शा मिल गया, तो हम लोग ई रिक्शा पर बैठ कर बाके बिहारी के दर्शन के लिए निकल गए। और फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था, और धाम में तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, और वृंदावन धाम की तो बात ही निराली है। और रास्ते में हम लोगों को बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर देखने को मिले। और फ्रेंड, रास्ते में बहुत ही अच्छी दुकानें लगी हुई थी पटरियों पर दोनों साइड, जहाँ पर राधे राधे नाम के लिखे हुए बच्चों के कपड़े और पूजा के काफ़ी सामान और लड्डू गोपाल के वस्त्र ये सब मिल रहे थे। और थोड़ी दूर हम लोग चले तो यहाँ पर श्री अनिरुद्ध महाराज जी का आश्रम भी मिला, जहाँ आज के दिन भंडारा हो रहा था, वहाँ पर काफ़ी भीड़। और फ्रेंड्स, घूमते घूमते फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पे बाके बिहारी के गेट नंबर 1 पर। वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राधे राधे लिखने के लिए बोल रहे थे, तो हम लोगों ने भी सब लोगों ने अपने अपने फेस पर राधे राधे लिखवाया और टीका लगवाया। तो फ्रेंड, टीवी में या मोबाइल में देखते थे कि सब लोग लिखवाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था और सोचते थे कि कभी हम जाएंगे तो हम भी लगवाएंगे, और आज हमारा वो सपना पूरा हो गया। राधे राधे। और हम लोग निकल गए बाके बिहारी के दर्शन के लिए। उनकी गलियों से गुजरते हुए, काफ़ी पतली पतली गलियां हैं जिनसे निकलकर उनकी मंदिर तक पहुंचना होता है, और रास्ते में काफ़ी फूल मालाओं की दुकानें भी तो फ्रेंड, फाइनली काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद हम लोग पहुँच गए मंदिर के गेट पर। और फिर हम लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हम लोगों को, जो हमने सोचा भी नहीं था। काफ़ी लोगों ने डरा दिया था कि अभी काफ़ी भीड़ होएगी और ऐसे में जाना सही नहीं है, पर बाके बिहारी की कृपा से बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं, और प्रसाद स्वरूप उनकी माला और मिठाई भी मिली हम लोगों को, जो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ही मिल। और दर्शन करके बाहर निकले तो यहाँ पर लड्डू गोपाल के बहुत सारे वस्त्र और माला वगैरह मिल रहे थे, तो हमने भी अपने लड्डू गोपाल के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदे, माला और कंगन वगैरह, काफ़ी उनके श्रृंगार का सामान खरीदा। इसके बाद हम लोग गए सने बिहारी के मंदिर में, और वहाँ पर तो इतनी तेज़ तेज़ गाना बज रहा था कि और सारे लोग इतना डांस कर रहे थे कि वहाँ पर जाकर मेरा भी मन नहीं माना और हमने भी खूब जमकर डांस किया। और फ्रेंड्स, एक बांसुरी हमने वहाँ से खरीदी और सने बिहारी में पंडित जी को दे दी कि वो भगवान जी के चरणों में छुआकर हमें दे दें और हम उसे अपने घर ले जाएंगे। और फिर हम घर ले आए और हम उसे मंदिर में हमने उसको रख दिया है। तो फ्रेंड्स, सने बिहारी के दर्शन करने के बाद रास्ते में एक और भी मंदिर पड़ा, उसका दर्शन करने के बाद हम लोग राधा वल्लभ के दर्शन के लिए निकल गए। और यहाँ रास्ते पे काफ़ी बाबा लोग बैठे थे जो सांप वाले होते हैं और मांगने वाले, और कोई बच्चे दुकान भी लगाकर बैठे हुए थे। तो गलियों गलियों घूमते हुए हम लोग राधा वल्लभ के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। और फ्रेंड, कहा जाता है कि बाके बिहारी के दर्शन के बाद राधा वल्लभ का दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ।
फ्रेंड्स, हम लोग को बहुत ही अच्छे और बढ़िया दर्शन हो गए राधा रानी के, और हम सभी लोगों ने राधा रानी को पंखा भी झलाया। और फिर सब लोग पहुंच गए यहाँ पर, सबको काफ़ी भूख लग गई थी तो सब लोग पहुंच गए एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर इन लोगों ने खाया चीला। और हमने तो कुछ भी नहीं खाया क्योंकि आज हमारा हरछठ का व्रत था। आज हमारा हर छठ का व्रत है तो हमने कुछ भी नहीं खाया, बस यही केला खाएंगे और कुछ खा ही नहीं जा सकते क्योंकि जो तब या कुछ खाया नहीं जाता है, तो बस यही केला के सहारे आज का दिन काटेंगे हम। तो फ्रेंड, 2-3 घंटे आराम करने के बाद हम लोग फिर तैयार व्यार होकर होटल से निकल गए क्योंकि हम लोगों को 4 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा घूमना था और इतनी टाइम हम लोग को जाना था निधि वन, तो हम लोग निकल गए निधि वन के लिए। कहाँ जा रही है? निधि वन जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए निधिवन और यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में बहुत ही बड़ी शॉप लगी थी। यहाँ पर प्रसाद, माला फूल ये सब मिल रहा था और काफ़ी बढ़िया लड्डू गोपाल के वस्त्र भी मिल रहे थे, जिसे लेना हो वे ले सकता है, बट हम लोग तो बाहर से ही प्रसाद और माला वाला लेकर आए थे। तो फ्रेंड, निधिवन में दर्शन करने के बाद और काफ़ी रील्स बनाने के बाद हम लोग निकल पड़े। और तो रास्ते में हमें मिला गोविंद देव जी का मंदिर, जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था 1590 में। तो फ्रेंड, ये काफ़ी बढ़िया मंदिर है और काफ़ी विशाल, और इसकी कारीगरी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर दीक्षा ने भी काफ़ी रील्स बनाई, आप उनके चैनल पर दीक्षा ब्लॉग पर जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े और हम लोग पहुँच गए रंगनाथ। रंगनाथ मंदिर में ये है फ्रेंड्स सोने का खम्बा, और यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं उनके ऊपर सोने के कलश रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बंदरों का तो बहुत ही ज़्यादा आतंक है। हमने सिर्फ दर्शन करने के लिए थोड़ी देर के लिए चश्मा लगाया कि हमें दर्शन अच्छे से हो जाए, इतनी ही देर में बंदर चश्मा मेरा लेकर भाग गया। बड़े मुश्किल में उसको कुछ बिस्किट वगैरह खाने को दिया, तब उसने जाकर हमारा चश्मा छोड़ा। तो फ्रेंड, काफ़ी रात हो गई थी और वृंदावन की गलियों में घूमते घूमते पहुंच गए हम लोग राधा रमण के मंदिर में। वहां पर दर्शन वर्शन हम लोग के बड़े अच्छे से हो गए। तो फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे आगे के ब्लॉग्स को देखने के लिए, हम लोग कहाँ कहाँ गए दर्शन करने के लिए ये देखने के लिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।